स्वच्छ जल और हम लोगों के साथ निश्चय में और देश भर की योजना हर घर शौचालय का निर्माण। और आज से नहीं, बहुत समय से, वर्षों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल गया तो आज जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों से लोगों को, हर घर नल का जल भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जहां जहां नल का जल उपलब्ध हो गया तो भाई उपलब्ध कराया गया है पीने के लिए, इस बात को लोगों को समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नल जल योजना को लेकर बहुत ही बढ़िया बात कही है, यानी कि हर घर नल जल योजना का उद्देश्य बिहार के हर नागरिकों को बगैर किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बिहार के सभी ऐसे परिवार जहाँ पे घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिसको लेकर बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कही कि जहाँ पे नल जल योजना स्टार्ट हो गया वहाँ पे पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी से, नल जल योजना से पानी से खेत पटवन करते हैं, अपना गाड़ी धोते हैं, इसी को लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये बात कही है। तो प्लीज आप लोगों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखना है और ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, बहुत ही अच्छी बात कही है। तो आइए उनके जवान से सुनते हैं क्या उन्होंने बात कही है, कि आपको यानी कि ख्याल रखना चाहिए नल जल योजना को लेकर, ये सारी बात उन्होंने कही है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करता है कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके इसको, नल जल योजना को लेकर कैसे आपको उपयोग करना है, क्योंकि ये बहुत सी गहराइयों से लेकर के ये पानी आता है, आपको स्वच्छ पानी दिया जाता है ताकि आपको पीने के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अब हर घर जो नल का जल जहां जहां उपलब्ध हो गया, अब जरा देख लीजिए कई जगहों पर लोग कहते हैं अब वो दिया गया है पानी किस लिए, ये पीने के लिए पानी, स्वच्छ जल। और हम लोगों के साथ निश्चय में और देश भर की योजना हर घर शौचालय का निर्माण। और आज से नहीं, बहुत समय से, वर्षों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल गया तो आज जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिलेगी। और हम ये वर्षों से कह रहे हैं, अब शौचालय का काम तो लगभग पूरा हो रहा हो गया है, हर घर नल का जल भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जहां जहां नल का जल उपलब्ध हो गया तो भाई उपलब्ध कराया गया है पीने के लिए, इस बात को लोगों को समझना होगा। अगर उस नल के जल का उपयोग करने लगेंगे बाकी काम में, आज जानवरों का भी स्नान उसी से कराने लगेंगे, सिंचाई का भी काम उसी से करने लगेंगे, तो एक बात जान लीजिए, ये हम बार बार सब लोगों को कहते हैं, अगर इस तरह से पानी का उपयोग करिएगा तो आप समझ लीजिए कि ये भूजल स्तर से निकाला गया है पानी, भूजल स्तर नीचे जाते 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 अंत में दुनिया के कई हिस्सों में नीचे का पानी खत्म हो गया, ये जान लीजिए। आज अगर नीचे का पानी है और आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि एक वक्त आएगा कि नीचे का पानी खत्म होगा। तो आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो कही है नल जल योजना को लेकर। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब कमेंट करके बताइए आप कौन से जिले से देख रहे हैं, अगर बिहार से हैं तो कौन से जिले से देख रहे हैं, कि आपके यहाँ नल जल योजना जो है वो स्टार्ट हो गया है, अगर स्टार्ट हो गया तो पानी मिलता है।